Welcome back to Comedy Roundup. This is Akshita. Austin में JVB Foundation Center ने आयोजन किया Annual Family Spiritual Camp का, जहां लोगों को meditation and yoga का महत्व समझाते हुए जीवन जीने की कला से रूबरू कराया गया. So let us all learn to live. शांति और एक बेहतर जीवन के लिए लोग ना जाने क्या क्या करते हैं, कहां कहां इन खुशियों को ढूंढते हैं, पर इन खुशियों को अपने जीवन में शामिल करने के लिए एक सीधा और सरल मार्ग है मेडिटेशन एंड योगा, जो देता है तन मन और दिमाग तीनों को सुकून. प्रेक्षा मेडिटेशन सेंटर ने लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए, उन्हें पीसफुल लाइफ देने के लिए लेट अस लर्न टू लिव कार्यक्रम का आयोजन किया, जिस दौरान लोगों को योग के फायदे बताए गए. वंडरफुल लाइफ यू नीड फ्यू थिंग्स, पॉजिटिव थिंकिंग, यू नीड क्रिएटिविटी, इंटीग्रिटी एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ. Because stress, nowadays stress is at high level and people destroy their abilities, capabilities and their happiness, all these things. So for better life, for wonderful life, you can say, you need your focus on yourself, individuality par. Aap focus kare apne social life par, aap focus kare apne professional life par, आप फोकस करें अपने रिलीजियस लाइफ पर. टीवी एशिया से खास बातचीत के दौरान सम्मानी सन्मति प्रज्ञा जी ने बताया कि आत्मा से परमात्मा को जोड़ता है मेडिटेशन और योगा. हमारे अपने सबके भीतर में सब चीजें हैं, हैप्पीनेस भी है, स्ट्रेस फ्री रहने की ताकत भी है, लेकिन वो हमारी अवेकन नहीं है. तो अवेकनिंग को पॉसिबल करने के लिए मेडिटेशन जरूरी है और स्ट्रेस फ्री रहने के लिए रिलैक्सेशन जरूरी है. और बहुत सुंदर और इफेक्टिव टेक्निक्स है जिसको हम बहुत लोगों को करवाते हैं, खुद करते हैं, और ये एक्सपीरियंस की बात होती है, सबके एक्सपीरियंस की बात हो जाती है कि ये चीजें वास्तव में बहुत इफेक्टिव है. एक हल्की सी मुस्कान हर समस्या का अंत कर सकती है, ये भी इस कार्यक्रम में बताया गया. जैसे आपने कैंप में देखा कि सभी लोगों के फेस पर देखो आप स्माइल मिलेगी, डेली लाइफ में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ भी आपने मेडिटेशन प्रैक्टिस किया है, रिलैक्सेशन प्रैक्टिस किया है और बहुत सारी चीजें आपने सीखी है तो लाइफ के लिए, राइट? तो ये सारा अनुभव होता है और ये अनुभव होता है, हमें ऐसा लगता है और हमने जिस फील्ड में काम किया है 100% हमको इसमें सक्सेस मिलती है. समानी जयंत प्रज्ञा जी ने भी इस दौरान बताया कि रोजमर्रा जीवन में सिर्फ कुछ मिनट निकाल कर हम इसे आसान बना सकते हैं. टाइम की प्रॉब्लम सब व्यक्तियों के पास है, लेकिन अगर चाहे तो हर व्यक्ति टाइम निकाल सकता है. हम पार्टी में जाते हैं, हम बाहर डिस्कशन करते हैं, फोन पर बात करते हैं, हमारा टाइम होता है तभी तो हम करते हैं. तो अपने जीवन के लिए भी हम टाइम निकाल सकते हैं. अब बात यह है कि एक्सरसाइज करें या मेडिटेशन करें, तो इसके लिए मेरा ये सुझाव है कि आपको एक्सरसाइज अच्छा लगे तो कम से कम 10 मिनट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, मसल्स की एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे आपके भीतर में मसल्स में जो स्ट्रेस होता है वो रिलीज हो जाता है. और उसके साथ साथ 5 मिनट 10 मिनट आप कम से कम वाइट कलर पर फोकस करें, ओम की साउंड करें या अरहम की साउंड करें, जो भी आपको अच्छा लगे, आप जिसके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं उसको करें. लेकिन 5 या 10 मिनट तक आप अरहम या ओम की लंबी साउंड लंबे श्वास के साथ करें, तो शायद मुझे लगता है कि स्ट्रेस फ्री आप हो सकते हैं. सच ही तो है, जीवन को और भी ज्यादा खूबसूरत और हेल्दी बनाने के लिए हम सभी को कहना पड़ेगा लेट अस लर्न टू लीव.